नदी में गिरे वाहन सहित डूबे लोगों की खोजबीन लगातार 36 घंटों से श्रीनाथ पुलगांव पुल के पास की जा रही है, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वह दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुलगांव स्थित श्रीनाथ नदी तट पर पहुंचकर नदी में डूबे हुए लोगों की जानकारियां ली। बीते सोमवार को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन सहित नदी में गिर जाने की सूचना के बाद लगे SDRF की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पिछले लगभग 30 घंटों से शिवनाथ नदी का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है, लेकिन नदी में हुए हादसे में अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि कार जब डूबी तो सिर्फ एक युवक ने उसके हेडलाइट को देखा। देखने के बाद उन्होंने सीधा संपर्क 112 को किया। 112 की टीम वहां पहुंचकर जगह की जांच की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं NDRF की टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मंगलवार को दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने शिवनाथ नदी तट का जायजा लिया और कहा कि जल्द ही डूबे हुए लोगों की पतासाजी की जाएगी। इस संबंध में मीडिया के समक्ष दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दो दिन से SDRF और NDRF द्वारा जो है लगातार 20 से ज़्यादा बोट्स के द्वारा आसपास जो है वो नदी का मैग्नेट्स के द्वारा जाली के द्वारा जो है जांच किया जा रहा है। आज मैंने खुद आकर पूरे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। जहां पर गाड़ी के डूबने की संभावना जगह थी उसको जाकर मुआयना किया। हमने जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जो SDRF और NDRF के जवान जो 48 घंटे से लगातार काम में लगे हुए हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा जो है उनके साथ इस सर्चिंग अभियान में हिस्सा लिया गया। हमें भरोसा है कि अगले 24 घंटे के अंदर उस गाड़ी को ढूंढ निकाला जाएगा। लगातार CCTV फुटेज से भी ये देखा जा रहा है कि कौन सी गाड़ियाँ पार हुई थी। गाड़ियों के नंबर से उनके मालिकों से बात की जा रही है और जो परिवार है उससे भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मल्टीपल थ्योरीज पे काम चल रहा है। हो सकता है कोई न्यूक्लियर फैमिली के 3-4 लोग हों जो सीधा डूब गए हों, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ना गुम इंसान नोट कराया है, ना ही किसी परिवार की तरफ से बात आई है सामने। ज़्यादा जो संभावना है वो एक परिवार के डूब जाने की अभी बन रही है, क्योंकि यदि इंडिविजुअल लड़के होते अलग अलग परिवार के तो कोई ना कोई अभी आके कांटेक्ट कर लिया होता, तब भी आसपास अभी थानों को अलर्ट किया। आधार पे हमने वहाँ देखा कि कहाँ पे कितनी गहराई है। जो आगे जो बैराज है वहाँ भी जाके वहाँ के अधिकारियों को भी हमने फ़ोन के द्वारा जो है बताया, जो जहाँ पे चीज़ें फंस रही हैं, जो इनकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, उससे भी रूबरू हुए और जो भी जरूरी संसाधन और जरूरत होंगे वो जिला प्रशासन से बातचीत करके दिलाया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।